हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो है आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, आम का खट्टा, मतलब आम की सब्जी, कच्चे आम की सब्जी। तो नए तरीके से, और चीनी वाली भी और गुड़ वाली भी, दो तरह से मैं बनाऊँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहली रेसिपी जो मेरी है आम की सब्जी की, वो ये वाली है, और ये बनी है चीनी से, और ये भी बहुत टेस्टी बनती है और बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट में बन जाएगी अगर आपके आम वगैरह कटे हुए हैं तो। और जो दूसरी रेसिपी है ये वाली, ये मैंने गुड़ से बनाई है, चीनी नहीं डाली है, गुड़ यूज़ किया है। ये खट्टी मीठी आम की सब्जी आप एक हफ्ता 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो कच्चा आम लिया हुआ है, कच्ची आमिया, और जो है 4 प्याज लिए हैं और 1 इंच का अदरक लिया है। तो अब हम बड़ा बड़ा प्याज काट लेंगे और अदरक को बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे। कच्चा आम है, उसको हम छील लेंगे। कच्चा आम हमने छील लिया है, अब हम इसको काट लेंगे। आप अपने हिसाब से काटिएगा, छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए उसके पीसेस। तो सारे के सारे कच्चे आम हमने काट लिए हैं, और जो इसमें गुठलियाँ हैं वो भी हम डालेंगे, वो अच्छी लगती हैं इसमें। तो प्याज मैंने काट लिया है और ये अदरक भी काट लिया है। पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, उसके बाद हींग, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, और तेल सब्जी से ज़्यादा पड़ेगा। फिर इसके बाद तेज़पत्ता, लाल मिर्च, अभी हींग और जीरा, अजवाइन और काली मिर्च और लौंग, ये सारी चीज़ें डाल के हल्का से इसे चलाएँगे। फिर इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि मुरझा जाए, हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और इसी बीच में नमक भी डाल देंगे, तो ये भी ज़्यादा हो गया है, इससे भी कम ही रखिएगा आप, सिर्फ मुरझा जाए। थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। फिर इसको क्या करेंगे, पानी डाल के हम इसका घोल बना लेंगे। उसके बाद ये घोल हम इसमें डाल देंगे, और जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसको जो है भूनेंगे। और जब ऑयल सेपरेट हो जाए इस तरह से, बस अब हमें सारी की सारी जो कच्चा आम है वो उसमें डाल देना है, और अच्छे तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको हम जो है 5 मिनट के लिए ढक देंगे, क्योंकि जो कच्चा आम है वो बहुत जल्दी पक जाता है। 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो जो आम है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गलाना नहीं है, नहीं तो गायब हो जाएगा, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। अब इसी बीच हम इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी मैं यहाँ चाय वाला कप ले रही हूँ, 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। और जब वो उसमें खौल आ जाए फिर उसमें हम 1 चाय का कप चीनी डाल देंगे। चीनी इसमें कितनी भी ज़्यादा डालिए अच्छी ही लगेगी, ख़राब नहीं लगेगी। तो 1 कप डाल दिया है, आप चाहें तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं आधा किलो कच्चे आम में। और 5-6 मिनट तक तेज़ आँच पर इसको हम खौलाएँगे, और आप देखिएगा जब इसकी ग्रेवी जो है थिक हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, तब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और ये हमारा रेडी है। एक तरीका और भी ऐसे बनाने का, तो जैसे मैंने अभी इससे पहले चीनी वाला बनाया था, तो ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ, तो तब मैं शूट कर रही हूँ, तो अब की बार मैं इसमें गुड़ डालूँगी। गर्मी की वजह से गुड़ ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, तो मैं चीनी ना डाल के इसमें गुड़ डालूँगी। ये गर्मी की वजह से मेल्ट हो गया ऑटोमेटिकली, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, आपको जितनी भी चीनी चाहिए, जितना भी मीठा चाहिए, मतलब उस हिसाब से डालिएगा है। तो आपको तो आप बना के देखिएगा, इतना सारा ग्रेवी है लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा बिल्कुल थिक हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है, इसमें कॉल आ गई है, और कितना अच्छा सा इसका टेक्स्चर हो गया है। और आप सोचोगे इस बार वाले में मैंने इतनी सारी गुठलियाँ क्यों डाली हैं, क्योंकि अभी वो मैंने एक हफ्ते पहले बनाया था, और अभी ये गुठली वाला आम आने लगा है, तो वो वाला नहीं मिल रहा है। ये है गुड़ वाली कच्चे आम की सब्जी, और ये है
चीनी वाली कच्चे आम की सब्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।